इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 उसका जो इंग्लिश शिक्षण में जो भी कार्य है उसकी बात करेंगे। यानी कि हम एनसीएफ की तो बात करेंगे 2005 की, लेकिन वो इंग्लिश के संदर्भ के इंग्लिश शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे कि शिक्षण अंग्रेजी शिक्षण में किस तरह से जो है एनसीएफ ने जो है अपना योगदान दिया है। अगर हम एनसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या रूपरेखा के संदर्भ में 2005। हम इसको थ्योरिटिकल पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी। एनसीएफ 2004 प्रोवाइड्स, यानी ये हमें प्रोवाइड्स करवाता है। एनसीएफ हमें क्या प्रोवाइड्स करवाता है? ए फ्रेमवर्क विद इन विच टीचर्स एंड स्कूल्स कैन चूज एंड प्लान एक्सपीरियंस दैट थिंक चिल्ड्रन शुड बिहेव। यानी हम ये स्कूल और टीचर को, स्कूल और जो बच्चों के बीच में जो है था प्लान होता है कैसे क्या करना, उसका जो अनुभव है सोचने का, जो कि बच्चे कैसे सोचते हैं उसका जो है सोचने का अनुभव हमें प्रदान करता है किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। इट्स ऑब्जर्व द चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अन इंडियन लैंग्वेज फैसिलिटी। यानी जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो पहले से ही किसी न किसी भाषा से जो है परिपूर्ण होता है, किलकारी करता है जिसे हम कहते हैं ना। वी नाउ हम जानते हैं फ्रॉम आवर एवरीडे एक्सपीरियंस दैट मोस्ट चिल्ड्रन हैवन बिफोर दैट स्टार्ट एंड देयर स्कूलिंग। यानी बच्चे जो हम जानते हैं कि बच्चे जो है ना बिफोर पहले से ही स्कूल में आने से पहले कुछ इनको सीखे हुए आते हैं ना। इंटरलेस एंड एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड रूल गवर्नमेंट सिस्टम कॉल्ड लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज है उसे जो कॉम्प्लेक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं एंड पोसेस फुल लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज, है ना। इन मेनी केसेस चिल्ड्रन सेम टू स्कूल विद टू और थ्री लैंग्वेज ऑलरेडी इन प्लेस। यानी जब बच्चे स्कूल में आते हैं ना तो वो पहले से ही दो या तीन भाषाओं को जो ऑलरेडी ग्रहण किए हुए होते हैं, चाहे वो कैसे भी भाषा हो। देर आर एबल टू यूज द थ्री लैंग्वेज नॉट ओनली एक्यूरेट बट ऑल्सो एक्यूरेटली। यानी है ना, एवन एफरेटली टैलेंटेड चिल्ड्रन हु डज नॉट यूज स्पोकन लैंग्वेज डेवलप एक्वेंटली कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिव साइन एंड सिम्बॉल सिंपल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी हर एक बच्चे जो होते हैं हर एक चीज़ को नहीं जानते, इससे नहीं सीख पाते, इसलिए हमें सिखाने के लिए उन्हें एनसीएफ की जरूरत पड़ती है। एनसीएफ रिकॉग्नाइज दैट लैंग्वेज प्रोवाइड ए बैंक ऑफ मेमोरीज। यानी जो प्रोवाइड्स करवाता है बैंक ऑफ मेमोरीज, यानी कि स्मृति की का बैंक और सिम्बॉल्स प्रतीक, है ना, इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फेलो स्पीकर्स एंड क्रिएटेड वन विच ऑन लाइफ टाइम। देर आर ऑल्सो द मीडियम थ्रू विच मोस्ट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एंड हैंस देर आर क्लोजली टाइड अप थ्रू एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। देर फॉर एनसीएफ फेवर्स डेस्टिनी चिल्ड्रंस मदर टंग एंड रिकमेंडेड मल्टीपल अप्रोच इन सेकंड लैंग्वेज क्लास रूम। यानी सबसे पहले जो होती है वो मदर टंग होती है उसकी, और उसके बाद क्लास में बोलते हैं उसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। इट स्टेट दैट चिल्ड्रन विद लैंग्वेज रिलेटेड इंपेयरमेंट शुड बी इंक्लूडेड द स्टैंड साइन लैंग्वेज विच कैन सपोर्ट देयर कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द फर्स्ट, है ना। तो इस तरह से जो है ये एनसीएफ जो है इंग्लिश में काम करता है कि किस तरह से जो है इंग्लिश में बच्चे जो है इस अंग्रेजी लैंग्वेज को है या इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा को किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं उसके मतलब संदर्भ में जो है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यसरण के संदर्भ में जो है चलाई गई थी। ठीक है ना साथियों।